सो वेल। और आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से भाई साहब हम आपके बोर्ड एग्जाम्स जो आपके एमपी के होने वाले हैं, आपके एग्जाम्स को लेकर जो भी टिप्स है, ट्रिक्स है, कोई आपको असुविधा जा रही है तो उसके ऊपर हम लोग वीडियोस की सीरीज की पूरी लेके आ रहे हैं, राइट। अब कल मैंने आपका वीडियो बनाया था क्वेश्चन बैंक को लेकर, जिसमें मैंने बोला था कि आपके कोई अगर माइंड में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अब भी अगर आपके कोई भी माइंड में डाउट है तो भाई आस्क एमपी करके लिख के उसके आगे आपका जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट पूरा रिसर्च के साथ वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल कल के वीडियो में एक बच्चे ने मुझसे कमेंट किया था कि सर आप क्वेश्चन बैंक के बारे में इतना बता रहे हो, लेकिन ये तो बता दीजिए कि आखिर ये क्वेश्चन बैंक, हमारा प्रश्न बैंक कब तक के आएगा, कहां से आएगा, वो भी ऑफिसर वाला जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और अभी मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं तो पढ़ना कितना उचित है कितना नहीं है। तो भाई साहब देखो मेरे पास में इसको लेकर कुछ अपडेट, कुछ जानकारियां निकल के आ रही हैं जिनसे मुझे पता चला है कि आपका क्वेश्चन बैंक की प्रोसेस कहां तक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग भी अपने ऐप में वेबसाइट्स में वर्क करते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ अपडेट पड़ा, क्योंकि हमें भी अपने वेबसाइट वगैरह में सब चीजें अपलोड करनी पड़ती है। उसी को लेकर मेरे पास जो अपडेट है मैं आपको अंदर की बात बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो मैं सबसे पहले तो तुम्हें बता दूं कि प्रीवियस कुछ इयर्स में भी आपका जो क्वेश्चन बैंक है, प्रश्न बैंक है, वो नवंबर मंथ के लास्ट में या दिसंबर महीने के स्टार्टिंग में, दिसंबर महीने तक में भी आ ही जाता है, राइट। लेकिन इस बार आपका, मुझे जहां तक लगता है, जो प्रोसेस अभी तक निकल के आ रही है कि आपका नवंबर के मतलब स्टार्टिंग से बीच मिड तक के आपका आ सकता है, बिकॉज उसके बाद में आप लोगों के भाई साहब एमपी में चुनाव है, आप लोगों के नहीं है, मामा जी के चुनाव है, मतलब वोट देने बहुत सारे बच्चे भी जाएंगे। तो देखो जो पूरा आपका शिक्षा विभाग होता है, आपके चाहे सर हो, मैडम हो, चाहे शिक्षा विभाग वाले ऊपर के अधिकारी हो, इन लोगों की सबकी ड्यूटी चुनाव आयोग में लगती है, चुनाव के वजह से इनकी ड्यूटी यहां वहां शिफ्ट होती है, तो उस टाइम पे कैसा है कि ये सब चीजें नहीं हो पाती, राइट। और नवंबर दिसंबर में आपके अगर चुनाव होते हैं तो भाई साहब आपको प्रश्न बैंक पढ़ने के लिए जनवरी फरवरी में तो देंगे नहीं, क्योंकि जनवरी फरवरी में आपके एक्चुअल एग्जाम्स होने वाले हैं जो बोर्ड के हैं, तो वो लोग पहले इसको जारी करने के लिए अभी इस टाइम पे वो प्रोसेस को वो लोग कर रहे हैं, जो कि आपको, मुझे लगता है कि इस बार हर साल से पहले नवंबर के मिड तक आपको आपका देखने को मिल जाएगा। ये हो गई फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज में हम बात करते हैं कि भाई साहब जो मार्केट में आज भी आपको क्वेश्चन बैंक मिल रहे हैं तो पढ़ना कितना सेफ है, राइट। तो मैं तुम्हें बता दूं कि सेफ है मार्केट में, अगर कोई पब्लिशर अपने तरफ से पब्लिश कर रहा है तो एक अथॉरिटी लेके वो बंदा बैठा है, राइट। कोई भी किसी को किसी भी तरीके से ऐसे एग्जाम्स नहीं दे सकता, और अगर कोई भी दिक्कत जाती है, परेशानी जाती है, तो वहां पे वो चीजों को पूरा ऑब्जर्व करने के बाद में ही वो चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन यहां पे समझने वाली ये चीजें हैं कि जो एमपी बोर्ड खुद का ऑफिशियल आप लोगों का क्वेश्चन बैंक जारी करता है, प्रश्न बैंक जारी करता है, तो वो कैसा है, उनके पास में जो ऑफिशियल्स हैं और जो आपका ब्लूप्रिंट के आधार पे है, जो आपकी मार्किंग स्कीम के आधार पे, उसके आधार पे आपके क्वेश्चन बैंक्स को लेकर जाता है। तो आपको वो नहीं देखना है कि प्राइवेट पब्लिशर अगर कोई जारी कर रहा है तो पढ़े ना पढ़े, आप पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक ऑफिशियल जो आ नहीं जाते आपके क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक, तब तक के तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आपको नवंबर के मिड तक देखने को मिल जाएंगे, बाकी कोई अपडेट जानकारी आती है तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर बता दूंगा। आई होप आपके दो जो क्वारीज थे, टॉपिक्स थे, वो मैंने कवर कर दिए। बाकी अगर कोई दिक्कत जा रही, कोई परेशानी जा रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, भाई नीचे कमेंट बॉक्स खाली होता है, आप पूछ सकते हो। बाकी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।